हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर पहुंचे रालोपा सुप्रीमो हनुमान, बेनीवाल भाजपा कांग्रेस सरकार को बताया दलित विरोधी सरकार। सरहदी बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के 23 नवंबर को होने वाले मतदान से पूर्व चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस भाजपा के प्रचारकों के बाद शुक्रवार को रालोपा सुप्रीमो मरुधरा के चुनावी समर में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को रालोपा सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सरहदी बाड़मेर पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर हल्ला बोला। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दलित परिवारों के घरों को तोड़ने के विरोध में चल रहे लामड़ा प्रकरण को लेकर चल रहे धरने में पीड़ित परिवारों से बेनीवाल ने मुलाकात की। इस पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा कांग्रेस सरकार को दलित विरोधी सरकार बताया। बेनीवाल ने कहा कि लामड़ा प्रकरण में न्याय नहीं मिला तो वो बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव तक करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार गहलोत को वेंटिलेटर व वसुत्रा को लंदन भेजा था, इस बार पंचायत समिति व जिला परिषद में किया जीत का उन्होंने दावा किया है। बेनीवाल के साथ बाड़मेर रालोपा जिला अध्यक्ष उदाराम मेघवाल, रालोपा प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।